का उद्देश्य दो तरह से समझा सकता हूँ आपको मैं। एक राजनीतिक राजनीतिक परिवर्तन ये था कि आज तक हमारा कोई लोकल विधायक नहीं बना है। 70 साल से जो 7% है, हमने उनके पीछे ताड़ियां मारी हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में, चाहे वो एनसी, पार्टियां चेंज हुई हैं मगर ताड़ियां जिनके पीछे हमारी वो ही है। और हम चाहते हैं अब ताड़ियां हम मारेंगे अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो आते हैं सिर्फ एक महीना हमारे पास और इतने बड़े बड़े, इतने प्यारे प्यारे, इतने शानदार झूठ के झूठ बोल के चले जाते हैं, वापस हमें 5 साल दिखते नहीं हैं। अब हमें वो लोग चाहिए जो 5 साल में कम से कम 4 साल हमारे बीच रहें, 1 साल वो असेंबली में जाकर काम लेके आएँ, क्योंकि ये तो हमारे साथ आज तक झूठ बोलते हैं 12 महीने असेंबली चलती है। मैंने भी कंफर्म किया, हम असेंबली तो सिर्फ 4 महीने चलती है, 2 महीने गर्मियों में और 2 महीने सर्दियों में। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी असेंबली है जो 12 महीने ही चलती है। लगभग जहाँ का एक दिन होता है वो भी संडे, वो रात को पहुँचते हैं डाबंगला में, खाना खाते हैं, जो अपने क्लोज रिश्तेदार या जिनको काम दिए तो जिनसे कमीशन लेनी होती है उनसे मिलते हैं और वापसी जम्मू के लिए रवाना हो जाते हैं। जम्मू में कोठियाँ, घरों में क्रशर, सब इनके बनते जा रहे हैं और कहते हैं हम फकीर हैं, फकीर सब ऐसे बन जाएं इनके टिप्पर। मैं इन्ना वड्डा नहीं सी हुकम करी सकना मगर मैं थोड़ा बच्चा मंगी सकना, मैं थोड़े कोलू 70 साल तुसें छड़ी ताड़ियां मारा दे हो, वो मंगा दा बंद करी ओड़ो। पहले तक्को साड़ा होवा दा केह है, साड़ा होया केह है, मैं 2-3 ग्रां दसना जिथों दा इह एमएलए जां वीडीसी डीडीसी बने, चेक कर लैयो उत्थे 5-5 करोड़ दा कोई नवे काम ना आवा दे। डाबंगले उत्थे साढ़े घर दा गली भी नहीं बना दी 2 लाख रुपए दी, 5 करोड़ दा गल दूर होई। इस वास्ते ऐसा बंदा चुनियो जिहड़ा खुद भी तुहाड़े विचों निकली उपर जाए, ये नहीं जिहड़ा डॉक्टर उपरों आवे वो फिर उपरों उपर गई है। सारे लीडर आते चिंता नहीं करनी भाई, मैं चिंता करनी है अपने समाज की, मैं समाज लीडर बना दा छोटा हवा बिचों आए दौ हवा बच के निकली आना, ये पक्की गल है। मी स्नेह भी भेजा देना भाई, अस तुसें सीट देगे अगली बारी भाई, अगली बार रोना कौन है, तुसें रोना नहीं रोना पता नहीं, माड़ा मीन लगे मैं रोना नहीं रोना, जो किश होना सैबरी होना, ये जनता का आशीर्वाद रहा। असें इलेक्शन लड़ना ते लोकल बंदे सीट लभी गई इस सिटी विच, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, क्यों नहीं लड़ना, इन्हां लोकल भराएं कुसै सीट लभै, मैं खलोइया 15,000 बोल रही हाँ लोकल बिच, 15,000 लिया फिर असर एरिया च है, असें ओह् बी कम नहीं करनी है, बिल्कुल नीच स्वार्थ भावना कन्नै मैं अपने जनता बिच रौह्ना है, सेवा करनी है। जिसे मैं लग्या कि अपने सीट रोकड़ी दे दिन, मैं राय लेइया सारी जनता की, पूछे कि कैंडिडेट ठीक है, आ दिन ठीक है, मैं उस बंदे की सपोर्ट करनी है, ये पक्की गल है। इलेक्शन तां लड़ना या अपने किसी बंदे सीट नहीं लगती। अपने जो वक्तव्य रखा उसमें भी कन्फर्म किया था मैं लीडरों के खिलाफ नहीं हूँ, ये लीडर भी संघर्ष करके लीडर बने हैं, मगर दुख इस बात का है एक बार ये विधायक बने उसके बाद मामा सरपंच, बांजा बीडीसी, बाबी डीडीसी, अब भाई एमएलए, खुद एमपी, ठेका तो नहीं लिया हमने, दूसरी तरफ चले जाओ, मैं भी सरपंच, भाई भी सरपंच, तीसरा भी सरपंच, फिर मैं बीडीसी भी, मैं डीडीसी भी, जब मैं एमएलए भी, लोग ताड़ियां मान करो आ दिन, उन लोगों अपना हक मंगना है, तो समझियो मैं जिसे आखा था। सच्चाई है कि उन लोग एमएलए नहीं बन दिंदे, अगली बारी सरपंच भी नहीं, डीडीसी ते बीडीसी गल गै दूर है, ये सोच ही लैयो, अगली बारी एमएलए भी लोकल होग, एमपी भी लोकल होग, वीडीसी भी लोकल होग, डीडीसी वह भी लोकल होग, ये वादा करना और इ'यां लगे हुण सिर सुंदर बनी दा, जिसे साडा एमएलए सुंदर बनी दा होग ना, वीडीसी या डीडीसी उपरली पंचायत दा होग, जिहड़े दूर दराज ना उंदे भी कम होण, जिहड़ा इक होग वह पारले पासे दा होग, सारे बराबर तके जाग। अस वह गल चाहुंदे आ कि जब तक बाजा भाई कांग्रेस लीडर अपना नहीं होग उस एरिए का, तब तक उंदे कम भी नहीं होने, जब तक बंबलिया पंचायत, देवक, ठंगरेओड़, दिउली, डूण, अथल, इंदा अपना लीडर नहीं होगा, तब तक कम इंदे भी नहीं होने, छड़ा मेला सुंदर मन बनी उन्हें भी सारा नहीं फरन होना। इस वास्ते इन्हें वीडीसी या डीडीसी एक कोई भी दे दो, इंदे कम दे होने।